देश में एक और डरावना मामला सामने आया है और इस बार मामला महाराष्ट्र के जलगांव से है। माँ बाप अपने बच्चों को घर पे छोड़ के किसी की रस्म क्रिया पर जाते हैं और जब माँ बाप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के बिना किसी चिंता के जाते हैं और उन्हें टेलीफोन पर उनके बच्चों की हत्या की खबर मिलती है, तब सोच के लगता है कि देश में अपराध करने वालों का डर प्रशासन से बिल्कुल ही हटता जा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 4 बच्चों की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि रावेर तालुक के बारखेड़ा शिवार गांव में एक खेत में बने मकान में बच्चे खून से लथपथ पाए गए थे। अधिकारी ने कहा कि घटना उस वक्त हुई जब बच्चों के माता पिता अपने बड़े बेटे के साथ किसी संबंधी के मृत्यु के बाद कर्मकांड में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि खेत का मालिक सुबह जब खेतों पर गया तो उसने चारों भाई बहनों को खून से लथपथ पाया और इसकी सूचना तत्काल गांव वालों को तथा पुलिस को दी। अधिकारी ने बताया कि रावेर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संगीता जो कि 13 साल की बच्ची है, राहुल जो कि 11 साल का बच्चा है, अनिल जो कि 8 साल का है और नन्नी जो कि 6 साल का है, उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि बच्चों की हत्या कुल्हाड़ी से की गई है और उनके गले पर गहरे घाव हैं। अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जांच की जा रही है। इधर नासिक रेंज की पुलिस महानिरीक्षक प्रताप दिवाकर ने बताया कि जलगांव पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है। जलगांव के रावेर तहसील के बारखेड़ा गांव में हुए इस दिल दिला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और गोरखेड़ा गांव के खेत में सुबह सुबह मिले इन 4 बच्चों के शव से पूरे गांव में गुस्से और शोक का माहौल है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि चाहे शहर हो चाहे आदिवासियों का इलाका, मुजरिमों को किसी का भी डर नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से नौकरी की तलाश में ये परिवार महाराष्ट्र के जलगांव में आया था। मेहताब और उसकी पत्नी रूमली बाई बिलाला बहरखोड़ा गांव के ही मुस्तफा नाम के व्यक्ति के यहाँ खेती पर जीवन यापन कर रहे थे। मेहताब और उसकी पत्नी मध्य प्रदेश के गढ़ी इलाके के रहने वाले हैं। अब जब इस तरह की घटना शहर में भी होती है और वहीं ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ भी होती है, क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं? क्या इस देश में माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते? और एक राज्य में हो रहा होता तो प्रशासन पर सवाल उठ सकता था, लेकिन अब जब ये हर राज्य में होने लगा है तो राज्य का प्रशासन क्या क्या करता रहेगा और कहाँ कहाँ पहुँचता रहेगा, देखना ये होगा कि इस तरह की नंदनीय घटना देश में कब होनी बंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC News।